भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आगरा में स्थानीय खुफिया तंत्र यानी कि LIU एक बार फिर फेल हो गया। सत्संगियों को तैयारियों की शाह पुलिस और प्रशासनिक अफसर नहीं लगा पाए थे। उनके पास अपनी अलग वर्दी पहने बच्चे, महिलाएं और पुरुषों का एक ग्रुप भी था। पुलिस पर हमला करने के लिए कील लगे डंडे थे। इन्हें चलाने में माहिर ही नहीं, पथराव करने और बचने की कला भी सीखे हुए थे। दयालबाग के डूब क्षेत्र में कब्जे के बारे में करीब 15 दिनों से प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। 2 केस दर्ज हुए थे। सत्संग सभा पर रास्तों को रोकने का आरोप लगाया गया। तीसरा केस शनिवार को दोबारा कब्जा करने का लिखा गया। इसके बावजूद पुलिस का खुफिया तंत्र सत्संगियों की तैयारी का आकलन नहीं कर सका। रविवार को पुलिस व प्रशासनिक अफसर फोर्स के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचे तो हकीकत का पता चला। 500 से ज्यादा पुलिस और PSC कर्मी एक गेट के आगे नहीं बढ़ सके। सत्संगियों की ओर से बच्चों और महिलाओं को ढाल बना देख महिला पुलिस कर्मियों को आनन फानन बुलाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि पहली बार खुफिया तंत्र फैला हुआ है। शहर में कई बार बवाल की घटनाओं में सिर्फ कागजी रिपोर्ट का ही सहारा रहता है। बवाल के बाद हमलावर आसानी से निकल जाते हैं। शहर में छोटे बड़े आयोजन, बैठकों के बारे में स्थानीय खुफिया तंत्र की रिपोर्ट ली जाती है। LIU के अधिकारी जांच कर अपनी रिपोर्ट देते हैं, पर यहां भी कागजी कार्रवाई तक ही बात रह गई। आगरा में दयालबाग में शाम को बवाल हो गया। पुलिस सत्संगियों को खदेड़ रही थी। सत्संगी पत्थर बरसा रहे थे। महिलाएं, युवा सभी शामिल थे। इससे आसपास कॉलोनियों में भी दहशत रही। गणेश बाग निवासी व्यक्ति शिरानी ने बताया कि हम तो सोचते थे कि ये लोग सत्संग करते हैं, यहां तो पुलिस पर पत्थर चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमसे ज्यादा बाहर रह रहे हमारे बच्चे डरे हुए हैं, पल पल फोन कर पूछ रहे हैं। दयालबाग मार्केट जाकर दूध का पैकेट लाने में भी डर लग रहा है। पथराव देख हमारी कॉलोनी से कोई नहीं निकला। सब लोग घूमकर कमला नगर मार्केट से सामान ला रहे हैं। वैष्णो धाम की साक्षी सिंह बताती हैं कि हम तो TV में देखते थे कि जम्मू कश्मीर में पत्थर फेंकते हैं आर्मी के लोगों पर, आज हकीकत में देखा पत्थरबाज कैसे होते हैं। पूरी कॉलोनी में दहशत है। आपको बता दें कि आगरा में राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग के अवैध कब्जा कर बनाए गेटों को रविवार की शाम तीसरी बार हटाने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम पर सत्संगियों ने हमला बोल दिया। पुलिस को चारों ओर से घेर कर पथराव किया, जिसमें 12 पुलिस कर्मियों समेत 40 लोग घायल हो गए। शनिवार को प्रशासन ने टेंडरी पर गेट नंबर 8 और शमशान घाट रोड पर बनी दीवार और गेट को ढाया था, लेकिन दो बार ढाने के बाद रात में सत्संगियों ने गेट पर तार लगा दिए थे। पथराव में नगर निगम का बुलडोजर, ट्रक और ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गए। इस मामले में भी प्रशासन और पुलिस की ओर से सत्संगियों के खिलाफ FIR कराई गई है। वहीं शाम को सत्संग सभा को अपने दस्तावेज दिखाने के लिए सोमवार तक का समय दिया गया है। जिला प्रशासन ने शनिवार को दलाल बाग में राधा स्वामी सत्संग सभा की ओर से सड़कों को घेर कर बनाए गए 6 गेट तोड़े थे, जिसमें 16 बीघा 9 बिस्वा जमीन खाली कराई गई थी। सत्संग सभा ने रात में फिर गेट लगा दी, कंटीले तारों की बाड़ लगा दी। रविवार सुबह सत्संगियों को गेट नंबर 8 ट्रेंडी पर पहुंचने के लिए मैसेज जारी किए गए। पुलिस प्रशासन शाम को 4 बजे तक जब फिर से गेट तोड़ने के लिए पहुंचा तो हजारों सत्संगी पहुंच गए। कई के हाथों में धारदार कटीले हथियार थे। बुलडोजर आगे बढ़ते ही सत्संगियों ने पथराव शुरू कर दिया। आरोप है कि महिलाओं और बच्चों को आगे रखकर सत्संगियों ने पुलिस और प्रशासन पर पत्थर बरसाए। सत्संग सभा से जुड़ी महिलाओं ने बुलडोजर और ट्रक के शीशे तोड़ दिए, नगर निगम के ड्राइवर को पीटा। घायल 12 पुलिस कर्मियों समेत अधिकारियों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। कुछ मीडिया कर्मी भी पथराव में लहूलुहान हो गए। जवाब में पुलिस ने सत्संगियों को लाठी फटकार कर खदेड़ा। सत्संगियों के परिसर में ऐसे कटीले तारों के हथियार मिले हैं जैसे चीनी सेना ने गलवान घाटी में भारतीय सेना पर हमले के लिए इस्तेमाल किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।